हेलो प्रिंट, कैसे हैं आप? आज आप देखते होंगे डैशबोर्ड पे आपको इस तरह का एरर मैसेज आता होगा GSTIN को अपडेट करने के लिए, तो कैसे सही करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबके में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो सेलर हो या बायर हो। इसको कैसे ठीक करना है, यहाँ पे प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे आ जाना ऑफिस लोकेशन में। ऑफिस लोकेशन में आने के बाद जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ डैशबोर्ड ऑन होगा, जिसमें आप सिंपली यहाँ स्क्रॉल करके मैं देखता हूँ, ईमेल आईडी से वेरीफाई करना होता है आपको। ये पेन वाली जगह पे आपको क्लिक करना होगा। पेन वाली जगह पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आपको आ जाएगा, यहाँ स्क्रॉल डाउन करके मैं देखता हूँ, ये आर यू रजिस्टर फॉर GST, ये पूछ रहा है आप GST में रजिस्टर हैं। आपको यस क्लिक करना होगा। यस करने के बाद रजिस्टर एज, आप किस में रजिस्टर हैं, रजिस्टर अंडर नॉर्मल टैक्स पेयर, रजिस्टर अंडर कंपोजिशन स्कीम, आप जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो GST का, आप उसको क्लिक कर लीजिए। सिर्फ इसी को पूछने के लिए GST को अपडेट किया जा रहा है। अब यहाँ आप GSTIN वाले कॉलम में आपको अपना GST नंबर फिल करना होगा। यहाँ मैं GSTIN नंबर फिल करूँगा। दोस्तों, ये सेलर और बायर सबके लिए प्रॉब्लम कर रहा है, इसको जल्द से जल्द आप ठीक कर लीजिए। उसके बाद आप अपना डैशबोर्ड सही से सुचारू रूप से आप बिड पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ऑर्डर कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। सिंपली आपको फिर से ईमेल आईडी से वेरीफाई करना होता है। आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे, मैं यहाँ ईमेल आईडी फिल कर रहा हूँ। यहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ दोबारा वेरीफाई ईमेल आईडी बोल रहा है, दोबारा आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपको OTP के लिए आपको क्लिक करना होगा, OTP आ जाएगा, उसके बाद आप वेरीफाई कर पाएंगे। गेट OTP पे क्लिक करेंगे, उसके बाद OTP का ये कॉलम बन जाएगा, इंटर OTP, आपका OTP आ गया होगा, आप आ जाएगा तुरंत। उसके बाद आप OTP डाल करके यहां से वेरीफाई कर देंगे। यहां मेरा OTP थोड़ी देर में आ जाता है, यहां मेरा आ गया, उसके बाद मैं यहां से वेरीफाई कर दूंगा। वेरीफाई करने के बाद आपका डैशबोर्ड पहले की तरह सुचारू रूप से चलने लगेगा। उसके बाद आप यहां ऊपर आकर के एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ से वेरीफाई करने के बाद, सबमिट करने के बाद ये देखिए वेरीफाई हो गया है। मैं ऊपर चेक करता हूँ, देखिए यहाँ मेरा GSTIN नंबर यहाँ शो करने लगा, पहले नहीं कर रहा था।